हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम वापस से पार्टनरशिप अकाउंट्स ही ले रहे हैं और हमने हमारे पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है पास्ट एडजस्टमेंट्स। इसका ये मतलब होगा कि अगर हमने एक पार्टनरशिप फर्म बना रखी है, सपोज उसमें तीन पार्टनर्स हैं और उन तीनों ने अपना हर साल का प्रॉफिट कैलकुलेट करते जा रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल में उसको पोस्ट करते जा रहे हैं, बैलेंस शीट बनाते जा रहे हैं, एंड सपोज आफ्टर 3 इयर्स दे फाइंड आउट दैट उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री थी जो वो करना भूल गए हैं, एंड देर वॉज एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विच अगेन दे हैव फॉरगॉटन। सो हाउ विल वी प्रोसीड विद सच थिंग्स? और इसको टेक्निकल भाषा में हम क्या बोलेंगे कि पास्ट एडजस्टमेंट्स विच आर रिलेटेड टू पार्टनरशिप अकाउंटिंग। लेट मी शेयर माई स्क्रीन विथ यू so that we can begin with the class. And in case you are new to my channel, I am CA Jina Agrawal and you are warmly welcome to my channel. And this chapter is related to specially class 12th and even for UG level. तो टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स जैसा कि मैंने आपको अभी बोला कि अगर हमने 2-3 साल की अकाउंटिंग कर ली है एंड आफ्टर डूइंग दोज अकाउंटिंग वी फाउंड आउट दैट देयर आर सम एंट्रीज व्हिच वी हैव फॉरगॉटन, सो डेफिनेटली इट हैज इंपैक्टेड ऑन माय प्रॉफिट, इट हैज इंपैक्टेड ऑन माय लॉस इफ देयर इज अ लॉस। सो हाउ विल वी डू दोज एडजस्टमेंट एंट्रीज? सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू वेज फॉर डूइंग इट। वन इज दैट वी डू ओनली वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, and the other way is that we open a new account and the name of that new account will be profit and loss adjustment. So let's see how we proceed with it. सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो हमने 3 साल की अकाउंटिंग कर ली, उसके बाद हमें समझ में आया कि कुछ एंट्रीज भूल गए। तो कॉमन लैंग्वेज में, हम कॉमन वे में एज अ लेमैन हम क्या करते हैं, हम फाइंड आउट कर लें कि जो हम भूल गए थे उसका क्या इम्पैक्ट होगा। उसके कारण लेट से कि अगर आप और मैं पार्टनर हैं तो मुझे कितना लॉस हो रहा है या आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, हम वो अमाउंट को फाइंड आउट कर लें एंड वी अकाउंट फॉर दैट अमाउंट। आई होप इट इज यू आर बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर 3 साल तक हमने कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नहीं की तो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर हम एंट्री करते तो उसका प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होता, पार्टनर्स कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट होता, और अब हम उस एंट्री को पास ऑन कर लेते हैं, राइट? तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी इंक्रीज साइज ऑफ इट बिट so that you are clearly able to view it. मैंने ये example लिया है कि हम 3 partners हैं A, B and C और उन तीनों को IOC नहीं दिया गया है, और अगर हम देते तो वो IOC कितना होता, 10,000, 8,000 and 6,000। IOD भी charge नहीं किया गया है जो कि 5,000, 3,000 and 2,000। IOC क्या होता है बच्चों? Interest on capital, and IOD क्या होता है? Interest on drawings. ठीक है, तो अगर मैं फर्म के एंगल से देखूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, ये एक एक्सपेंडिचर है क्योंकि पार्टनर ने कैपिटल दिया, उस फंड से हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसके फंड पे उसको इंटरेस्ट देंगे, सो फॉर द फर्म इट इज एन एक्सपेंडिचर। और आईओडी क्या है? हमारी फर्म के लिए एक इनकम है। क्यों इनकम है? क्योंकि पार्टनर ने कुछ पैसा फर्म से विदड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर, तो अब हम उसको बोल रहे हैं कि यू नीड टू पे इंटरेस्ट ऑन द ड्रॉइंग। So from firm's angle, this is an income and this is an expenditure. I hope you are with me and you are understanding. अगर ना समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा rewind कर ले और उसको वापस से view कर ले। तो इसको बनाने का सबसे easy तरीका क्या होगा कि हम एक tabular chart बना लेंगे। पहला column particulars, फिर A को debit, A का credit, and in the same way for remaining partners, and 2 more columns we will create for the firm. Firm का debit and firm का credit. तो लेट्स अंडरस्टैंड, अगर हम IOC की एंट्री सही साल में सही टाइम पे पास ऑन कर देते तो क्या होता, A को क्रेडिट करते। क्यों? क्योंकि A को हमें फायदा देना था, उसके कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना था, क्योंकि उसने हमें पैसा दे रखा है, उस पैसे पे हम उसको इंटरेस्ट देते। तो बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए था, A को क्रेडिट करना था, B को भी क्रेडिट करना था, C को क्रेडिट करना था, और हमारे P&L अप्रोप्रिएशन में क्या हो जाता, ये एंट्री डेबिट साइड पे आ जाती। तो हमने एक चार्ट में बना लिया, उस चार्ट में डेबिट क्रेडिट कॉलम सारे पार्टनर्स के एंड फर्म के कर दिए, एंड उसमें अब हमने एंट्री को पोस्ट कर दिया, राइट? हम सेकंड मिस्टेक पे गए,
सेकेंड मिस्टेक में हमने क्या किया था, हमने आईओडी चार्ज नहीं किया था, तो अब हम उसको भी चार्ज कर देते हैं। तो जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि आईओडी फर्म के लिए इनकम है तो फर्म अकाउंट में वो क्रेडिट होती। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्कैन करने में मिस्टेक हुआ है, एंड का पोर्शन नहीं आया, दिस इज 10,000 एंड इन सबको डेबिट कर देते हैं उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट से। तो ए बी एंड सी को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम फर्म के कॉलम को सबसे पहले बैलेंसिंग कर देंगे, यहाँ पे अमाउंट आ गया, तो फर्म में अगर क्रेडिट करना है तो ए बी सी में हमको डेबिट करना है, राइट। तो ये जो 14,000 का बैलेंस आया इसको हमने ए बी सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एंड फ्रेंड्स, बिकॉज द रेशियो इज नॉट गिवन, सो बाय डिफॉल्ट आई विल अज्यूम इट दैट दैट इज इक्वल, सो दैट 14,000 इज डिवाइडेड इनटू इक्वल अमाउंट बिटवीन ए बी एंड सी। तो ये लॉस का कंडीशन हो गया। लॉस क्यों हो गया फर्म को, क्योंकि फर्म को टोटल इंटरेस्ट इतना देना था और इतना इंटरेस्ट लेना था। सो इन दोनों का कंपैरिजन करने में व्हाट आई फाइंड आउट कि फर्म को एक्सपेंडिचर्स ज्यादा थे, इनकम्स कम थी इन दोनों एंट्री के इफेक्ट में, तो अल्टीमेटली फर्म का लॉस आ रहा है। लॉस आता तो वो लॉस किसको भरना होता, पार्टनर्स को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इन तीनों को मैंने डेबिट कर दिया। अब व्हाट आई विल डू, आई हैव कंप्लीटेड माय क्वेश्चन, सो नाउ आई विल बैलेंस इट। ए का क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे लिख दिया, डेबिट साइड का टोटल सब दोनों चीजों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। इन द सेम वे आई हैव डन इट फॉर बी एंड आई हैव डन इट फॉर सी, एंड फर्म तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुकी है। ओके, सो नाउ व्हाट आई गेट द आंसर कि ए का क्रेडिट साइड बड़ा है इन कंपैरिजन टू डेबिट साइड, मतलब अब एडजस्टमेंट के लिए मुझे ए को क्रेडिट करना है, सी को भी क्रेडिट करना है एंड बी को डेबिट करना है। सो दिस इज हाउ वी डू द होल प्रॉब्लम। इससे मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी। जर्नल एंट्री में मैं क्या करूंगी, सी को डेबिट कर दूंगी एंड ए एंड बी को क्रेडिट कर दूंगी। सो दैट्स हाउ माय एंट्री विल बी डन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैं शॉर्ट में आपको वापस बताती हूँ हम क्या कर रहे हैं बच्चों। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट मतलब प्रीवियस पीरियड में कुछ मिस्टेक्स हो गई है, बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी क्लोज हो गई है, बाद में वी कम टू नो दैट दीज आर द मिस्टेक्स और दीज आर द ओमिशंस और द कमिशंस व्हिच आर डन बाय अस। सो द सिंपलेस्ट मेथड इज दैट वी फाइंड आउट ओनली वन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एंड वी फाइंड आउट कौन से पार्टनर को ज्यादा पैसा गया तो उससे वापस ले लेते हैं और जिसको कम गया है उसको आप क्रेडिट कर देते हैं। कैश में कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट हम कर दे रहे हैं। तो जो एंट्री हमने नहीं की थी वो अब हम कर देते हैं, उनका फाइनल इफेक्ट निकाल लेते हैं और उस फाइनल इफेक्ट के हिसाब से हम एंट्री पास कर देते हैं। पहले हमने एंट्रीज कर दी, फॉर्म में उसका इफेक्ट दे दिया, फिर फॉर्म में जो बैलेंस आ रहा है उस बैलेंस को सारे पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर सारे पार्टनर्स की बैलेंस टोटल टोटल हमने लिख लिए, जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर लिया, वो क्रेडिट है कि डेबिट है वो फाइंड आउट कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली हमने जेवी को पास कर दिया। आई होप यू आर विथ मी एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ बच्चों, अब हम नेक्स्ट मेथड पे जा रहे हैं कि अगर हमको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास नहीं करनी है लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर ले और उस एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर हम सारी एंट्रीज को पास करते जाएंगे, तो इसके अंदर हमको क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ये जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी, लेट अस अंडरस्टैंड दैट। कि अगर कोई पास्ट एडजस्टमेंट्स में ऐसी गलती हुई है कि हमको पार्टनर्स को बेनिफिट देना था और हमने नहीं दिया है, फॉर एग्जाम्पल आईओसी हमने चार्ज नहीं किया है तो पार्टनर्स को क्रेडिट करना है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि पार्टनर्स को क्रेडिट कब करते हैं, पार्टनर्स को डेबिट कम करते हैं। तो यू ऑल नो कि जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका क्रेडिट नेचर होता है, कैपिटल को जब भी इंक्रीज करना होता है तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं और जब उसको डिक्रीज करना होता है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं। ये भी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का भी नेचर क्रेडिट होता है, मींस टू इंक्रीज द लायबिलिटी हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो अगर पार्टनर को कुछ क्रेडिट करना रह गया था तो पार्टनर को तो क्रेडिट करना है। एंड अगेन आई विल रिकॉल यू, इन द लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। तो जो फिक्स्ड मेथड होता है उसके अंदर दो अकाउंट खुलते हैं, कैपिटल और करंट, और फ्लक्चुएटिंग में केवल एक अकाउंट खुलता है कैपिटल। तो सपोज फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड बनाना है तो आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे, पार्टनर्स कैपिटल।
अगर आपको फिक्स मेथड दिया हुआ है तो ये कैपिटल से रिलेटेड एंट्री नहीं है, तो ऑल द रिमेनिंग एंट्रीज आर पोस्टेड इन योर करंट अकाउंट, तो हम इसको करंट अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, राइट. तो दूसरा अकाउंट कौन सा है ओपन करना है मुझे, पी एंड एल एडजस्टमेंट. तो जब पार्टनर्स को क्रेडिट करना है तो उनको क्रेडिट किया और रिमेनिंग एंट्री का दूसरा इफेक्ट इस न्यू अकाउंट में दे दिया. इसी की सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स को डेबिट करना है, मतलब जैसे उनका आईओडी था या ऐसी कोई आइटम जिससे कि उनको हमको अकाउंट को कम करना है, हम पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, ऑपोजिट इफेक्ट इसी पी एंड एल एडजस्टमेंट में दे देंगे. और फिर इस पी एंड एल एडजस्टमेंट में जो बैलेंस बच रहा है, क्योंकि पी एंड एल एडजस्टमेंट में कुछ चीजें डेबिट हुई है कुछ चीजें क्रेडिट हुई है, उसके कारण हमें इसमें कुछ बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे. तो सेम क्वेश्चन को मैं अगर लूं कि ये जो क्वेश्चन था हमने ऊपर देखा था जिसमें कि ये वाली एंट्रीज थी, तो इनको मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट के थ्रू कैसे पास कर सकती हूँ, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो पहली जो आईओसी की एंट्री थी, तो आईओसी मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड इफ आई व्यू इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म, द फर्म हैज टू बी डेबिटेड एंड ऑल द पार्टनर्स आर टू बी क्रेडिटेड. अगेन देन आई गो टू आईओडी, आईओडी क्या है, फर्म के लिए एक इनकम है, तो मुझे इस अकाउंट में क्रेडिट डालना है, एंड इन लोगों के लिए एक एक्सपेंडिचर है तो इन सारों को मुझे डेबिट करना है क्योंकि मुझे उनके कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करना है. एंड फिर ये जो लॉस था, क्योंकि देखिए पी एंड एल एडजस्टमेंट में कितना बैलेंस बचा, यहाँ पे पी एंड एल डेबिट हुआ है 24,000 से, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है 10,000 से, मतलब 14,000 का डिफरेंस है. 14,000 से मुझे अब इस अकाउंट को क्रेडिट करना है, और उसका ऑपोजिट इफेक्ट मैंने सारे पार्टनर्स में दिया. इक्वल रेशियो में क्यों दिया बच्चों, क्योंकि हमें कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मेंशन था. तो इन अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्नड दैट व्हेनेवर दिस पीएसआर इज नॉट गिवन, व्हाट यू विल डू दैट यू विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन इक्वल रेशियो, राइट. अब हम इसी क्वेश्चन का इम्पैक्ट देखते हैं. देखिए जो दोनों मेथड हमने सीखे कि या तो चार्ट बना के केवल कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर दो, या फिर पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट खोल के सारी एंट्रीज करो, तो दोनों का इफेक्ट तो सेम आना चाहिए ना, दोनों का आंसर तो सेम आना चाहिए. सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ वी हैव टैलीड. एक ही अकाउंट में इफेक्ट देख रहे हैं, एक को डेबिट किया है 5,000 से, एक को क्रेडिट किया है 10,000 से, एंड एक को यहाँ पे डेबिट किया है 4,666 से. तो मैंने नेक्स्ट शीट में वो करने की कोशिश की कि एक को क्रेडिट किया, डेबिट किया एंड डेबिट किया, तो इन सबको प्लस माइनस करके नेट इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि एक को क्रेडिट किया है 334 रुपीज से. एंड अगर हम यहाँ पे रिकॉल करें, ये जो चार्ट बनाया था इसमें भी एक को क्रेडिट ही किया था. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो यहाँ पे जो इफेक्ट दिया, जो जर्नल एंट्री बनी और यहाँ पे जो इफेक्ट दिया, वो सब सेम हो गया. जर्नल एंट्रीज चेंज हो गई है क्योंकि दूसरे मेथड में हर चीज को मुझे किसके थ्रू पास करना है, किसके थ्रू रूट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट विच आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन इट टू यू. एंड अगर कुछ भी क्वेरीज है, नहीं समझ में आ रहा, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड if you are a new visitor to my channel, I will request you to please subscribe it. Or agar lecture pasand aaya to like karo, nahi pasand aaya to dislike karo. I will try to further improve my presentation. And that's all from my side. Thank you so much for watching it. Have a good day. May God bless you.